हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, एमसीजी एकेडमी कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, कंटिन्यूस क्लासेस आप लोगों के लिए जो चल रही हैं, और आज भी मैं आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, जिसके आप दीवाने हो जाओगे यदि एक बार मेरे से पढ़ लिया तो। ओके, तो हर एक वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। हर वीडियो में आप लोगों को इस तरीके की ट्रिक्स बताऊंगा कि शायद है आप लोगों ने अभी तक कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं, किस प्रकार से आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का जादूगर बनाने वाला हूं, अंत तक इसको जरूर देखना है। आज हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। देखो, बेसिक में इसमें आप लोगों को नॉर्मल जो है क्या क्या साइन कॉस टेन क्या बच्चों को पहले ही डरा दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो आप लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ, कोई इशू आप लोगों को इसमें नहीं होगा। ठीक, सबसे पहले आज आप लोगों की क्लास जो है बेसिक की ही रहेगी, एक्सरसाइज तो जो है मैं बाद में स्टार्ट करने वाला हूँ। आज ये एक्सरसाइज 8.1 तो छोड़ ही दो, आप लोगों को बेसिक में ही काफी सारा टाइम निकलने वाला है। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में मैं आप लोगों को सबसे पहले बतलाने वाला हूँ उसमें आपको क्या क्या चीजें इंपोर्टेंट लगने वाली है। सबसे पहले आप लोगों ने एक इसमें पाइथागोरस प्रमेय का बड़ा महत्व है सर, इसमें आप लोगों को ये है आप लोगों का समकोण त्रिभुज है, इसका ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये होगा आप लोगों का ए बी एंड सी हो गया। देखो, ये होता है आप लोगों का बेस, या कहें इसको आधार, ये होता है आपका लंब, या कहें परपेंडिकुलर आप लिख लीजिए, ये होता है आपका कर्ण, हाइपोटेनियस। ठीक, ये तीन चीजें इसमें आप लोगों के लिए होती है। एक बात आप बतलाना, ये 90 का हो गया तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा 90, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। पाइथागोरस प्रमेय भी आप लोगों ने पढ़ रखी है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों से क्या कहती है, बड़ी जो भुजा है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। तो हम जो समकोण त्रिभुज लेते हैं इसमें बड़ी भुजा स्पष्ट रूप से हमको दिखती है, इसलिए हम कहते हैं, इसीलिए इसको नाम दे दिया, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का। ठीक, तो ये दोनों चीजें आप लोग क्लियर है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, मैं सेटिस्फाई हूं इन सब चीजों से, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है भाई, अब आप लोगों को मेनली जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि हर बार आप लोग फॉर्मूलाज में बहुत ही परेशान होते हो, तो सबसे पहले मैं आज ये शुरुआत करवाने से पहले इसके एंगल के जो मान होते हैं वो किस तरीके से आप लोगों को याद करना है वो मैं आपको बतलाने वाला हूँ। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा साइन जो होता है साइन थीटा नहीं बोलूंगा मैं आप लोगों से, नॉर्मल आप लोगों को देखना है एंगल। ठीक है, थीटा मतलब ये वाला एंगल हमने थीटा मान लिया, कितना मान लिया थीटा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं आता। तो साइन थीटा भाई एक बात देखना, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, अब यदि थीटा ये वाला एंगल मैंने ले लिया है तो थीटा के लिए लंब ये होगा, यदि मैं साइन ए की बात करता तो इसके लिए लंब ये होता। ठीक है, मतलब कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, ये बेसिक्स है, रट लेना इन चीजों को, कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब। भाई कोण ये वाला है तो लंब ये वाला होगा, और कोण यदि ये वाला है तो लंब ये वाला होगा, तो अभी हम थीटा ले लिया है तो मतलब कोण यही वाला रहेगा। ठीक, और कंडीशन चेंज हो सकती है, यदि वो कहते हैं साइन ए, भाई साइन ए होता तो कर्ण तो हमारा हाइपोटेनियस सेम रहता है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर आपस में अल्टरनेट चेंज होते रहते हैं। ठीक, साइन थीटा का छोटा सा मैं आपको बताने वाला हूं, लाल बटे कक्का हिंदी में वालों के लिए। ठीक है, तो ये साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, भाई कोई भी हो, यदि देखो साइन अभी तो मैंने थीटा बोला है इसलिए कोई सा भी हो सकता है, थीटा ये भी हो सकता है, थीटा ये वाला भी हो सकता है, समझ रहे हो, इस कंडीशन में। ठीक, लंब बटे कर्ण, यहां पर इसी के लिए मैं बात करूं तो लंब क्या है आप लोगों का ए बी है, और कर्ण क्या है आप लोगों का, कर्ण है भाई ए सी। ठीक है भाई, साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, ले से लंब ए से आधार, तो यानी आधार बटे कर्ण, कर्ण आधार बटे, आधार क्या है भाई बी सी, और कर्ण क्या है आप लोगों का ए सी। ठीक है भाई, साइन कॉस टेन यानी कि टेन थीटा, टेन थीटा कहता है एल ए एल यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है आप लोगों का है, इसके लिए लंब कितना है ए बी, और आधार कितना है बी सी। ठीक, लंब बटे आधार इसमें आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है, नहीं,
अब साइन कॉस टेन हो गया, जस्ट चलते हैं कोसेक, क्योंकि साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक, या कहे वन अपॉन साइन। ठीक, यदि वन अपॉन कर दिया तो उल्टा हो जाएगा, यानी कर्णवटी लंब, कर्णवटी लंब यानी कर्ण है आप लोगों का एसी और लंब कितना है आप लोगों का एबी, एसी अपॉन एबी हो गया। देखो यहां पर तीन तीन फॉर्मूले हैं, एक तो कोसेक थीटा बराबर कर्णवटी लंब, एक कोस थीटा बराबर वन अपॉन साइन, साइन थीटा बराबर वन अपॉन कोसेक भी होता है, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है ना, दोनों चीजें आपस में आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है, ये भी लिखवा दूंगा अभी। बात करते हैं सेक, जो कि उल्टा होता है कॉस का, वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक ठीक है सर, कॉस को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है आप लोगों का एसी और आधार क्या है बीसी। ठीक है भाई, टेन का उल्टा होता है कॉट यानी वन अपॉन टेन कह सकते हैं ना, और यानी कि आधार बटे लंब, आधार क्या है यहां पर आप लोगों का बीसी और लंब क्या है आप लोगों का एबी। तो ये आप लोगों के लिए छोटी छोटी बेसिक्स थी। ठीक, छोटे से और फॉर्मूले कुछ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन, इनको अभी खोलेंगे, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, देखो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा सूत्र नहीं हो सकता, पहले तो इसको इधर ले जाइए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा वन माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, ये बनते हैं, देखो इसको इधर ले गए बन गया। ठीक, फिर आप चलोगे कॉस स्क्वायर थीटा, भाई कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहला था ये मेन फॉर्मूला वन था, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोगों का एक और फॉर्मूला बनता है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब इसको इधर ले जाओ कॉट को, यानी माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है इक्वल टू वन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक, अभी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंटिन्यू में जो है इसको बता लाता रहूंगा, अब आगे इसमें और क्या इसको लिख लीजिए। ठीक है, एक और फॉर्मूला इसमें मैं लिखता हूँ, एक और फॉर्मूला इसमें आपको क्या कहता है, वन थर्ड वाला जो इसमें मेन रहता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू क्या रहेगा सेक स्क्वायर थीटा, ये भी सेम तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू वन। ठीक, या कहें टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक, इन दोनों को मैं अभी और खोल के बताता हूँ, जो कि आप लोगों की हमेशा उपयोग में आने वाला है। ठीक, अभी आप कंटिन्यू लिखते जाइएगा, मैं आपको कंटिन्यू लिखवाता जाऊंगा। ठीक, अभी इस वाले को खोल के दिखाता हूँ क्या कहता है आप लोगों से, पहले वाले को खोलता हूँ। आप लोगों ने फॉर्मूला तो सुना ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर टू क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस वन होता है, तो सेम इसी प्रकार से आप लोगों का ये भी हो सकता है कि जो है क्या कि कॉट स्क्वायर कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कोसेक, कॉट के साथ कोसेक ही था, हाँ कोसेक, और कोसेक थीटा स्क्वायर काय को आएगा जब प्लस माइनस के रूप में ले रहे हैं तो कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। अब देखना है इस बात को, हम गलत हो जाते हैं कई बार, तो आपको ध्यान रखना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो सकता है, लेकिन प्लस में तो आगे पीछे से करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक, तो यहां तक तो कोई इशू नहीं है, आसानी से हो सकता है। ठीक, सर इसको भी ऐसे ही खोल के रख सकते हैं क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है भाई, और sec थीटा माइनस का tan थीटा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक तो कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, ये थे आप लोगों के लिए छोटी छोटी चीजें, अब चलते हैं इसमें जो है मान आपको फाइंड करने पड़ते हैं कि 30 डिग्री का मान कितना है, 40 डिग्री, रटने नहीं दूंगा ये मेरा वादा रहा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि शायद है आपका ट्रिग्नोमेट्री में से एक भी क्वेश्चन छूट जाए, हर एक चीज इस प्रकार से एक्सप्लेन करवाने वाला हूँ, इसके जो है मान आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। देखो मैं बतलाता हूँ अभी कैसे आप लोगों को मान जो है इसके हल ही याद हो जाएंगे, देखिएगा, देखिए थोड़ा आगे इसमें मैं आपको क्या बताने वाला था कि आपको जो है मान इसके जो है ज्ञात कैसे करना है। देखो एक छोटी सी ट्रिक बतलाता हूं, आपको लिखना है जीरो वन
थ्री और फोर, ठीक सही में जीरो से चार से भाग दे देना। पहला वाला जो मान था वो 30 डिग्री के लिए, सॉरी 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 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक। ये रहे आप लोगों का साइन, कॉस टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक। ये आप लोगों का इस वाला साइड रहा, ये वाला पोर्शन आप लोगों का ये रहा, ठीक। आप लोगों को ऐसे जो है बना लेना है किस प्रकार से जो है आप लोगों का चलने वाला है, ये आप लोग थोड़ा इसे देख सकते हो। अब देखना ये जो मैंने आपको जो है ट्रिक जो है लिख दी है ऊपर, या आपको 0 1 2 3 4 लिखना है, उसमें चार चार से भाग दे देना है। भाई जीरो में यदि आप चार से भाग दोगे तो जीरो को क्या आसर, तो बेशर्म है, बिल्कुल ही बेशर्म है भाई, बिल्कुल ही बेशर्म है, बेशर्म। हमारी जो देसी क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है उसमें इसको क्या कहते हैं, बेशर्म, ठीक। तो जो भी आप समझ सकते हो, आप तो इंटेलिजेंट हो काफी। साइन जीरो कितना आएगा, जीरो। इसका वर्गमूल तो ले नहीं भाई, वर्गमूल तो लो, वर्गमूल जीरो से, वर्गमूल से निकलेगा जीरो ही आएगा, इसका लोगे तो वन ही आएगा, ये अपने फोर है तो इतना आ जाएगा 1/2, इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आएगा 1/√2, ठीक है। √3 आएगा, 4 बाहर निकल के 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक। अब ये वाली मान तो मैंने बनाना बता दिया, तो आपको रटना तो है नहीं है। सेम इसका उल्टा पीछे से लाकर के रख दो, 1√3/2, 1/√2, इसको यहां रख दो 1/2, इसको रख दो 0, मतलब ये वाला मैंने निकालना बता दिया। फिर जस्ट इसका इधर से पीछे से उल्टा के रख दो 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक है। अब टेन मैंने पहले शायद आपको नहीं बताया कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भाग दे दो, टेन का मान आ जाता है, टेन ये बैठा है बाबू, इसमें भाग दे दो, इसका भाग दोगे तो क्या आ जाएगा भाई, भाई भाग दोगे तो इसमें आ जाएगा जीरो, में भाग दोगे 1 से 0 ही आएगा, इससे दोगे तो 1/√3 आ जाएगा, इससे कट जाएगा तो 1 आएगा, इससे दोगे तो √3 आ जाएगा, ठीक है। इससे दोगे तो 1 में यदि 0 से भाग दोगे तो भाई इन्फिनिटी आना है, आना है कि नहीं आना, ठीक है भाई। कोसेक की बात करते हैं, पहले ही बतला दिया था कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो उल्टा तो भाई कोसेक 0 का मान जो बटे में 1 रखोगे पलट दोगे तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, ठीक। इसको भी पलट दो, 1/2 का उल्टा क्या होगा 2, इसका उल्टा क्या होगा √2, इसका होगा 2/√3 और 1/1 यानी कि 1, कुछ नहीं होता तो बटे में 1 रखे फिर पलटाते हैं ना, तो कितना 1 ही आएगा, सेम कंडीशन हमारी इसकी है, इसको भी पलटा तो इसका 1 ही आएगा, इसका 2/√3, इसका √2, इसका कितना आएगा 2 और इसके बटे में 1 लगा के फिर इसको पलटा दो, इसका कितना आएगा इन्फिनिटी, आएगा कि नहीं, आ जाएगा ना, अरे भैया हाँ तो बोल दो, आ जाएगा कि नहीं। अब है भाई कॉट की बात, कॉट भी अपन से वही कहता है कि 1/1 ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक, ये √3, ये 1 हो जाएगा 1/√3 और ये अनंत है, इसके बटे में 1 लगा दो फिर 1 से अनंत से 1 में अनंत से भाग दो तो भी अनंत ही आएगा, ठीक। तो ये सारे कंडीशन आप लोगों के क्लियर है, मैं आशा करता हूँ यहां तक आप लोगों को ये सारणी में कोई परेशानी नहीं होगी, जो कि आप लोगों से कंटिन्यूस पूछी जाती है, ठीक। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चलिए हम जो है एक्स यूनिट की ओर चलते हैं, एक्सरसाइज आप लोगों से क्या कहती है, थोड़ा सा इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, चलते हैं एक्सरसाइज की ओर 8.1। ये इंट्रो आप लोगों का कंप्लीट होता है, ये स्पेशल जो वीडियो आप लोगों का ओनली इंट्रो के लिए ही था। आप चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, जो है नेक्स्ट क्लास की ओर, मतलब कल जो मैं आप लोगों की क्लास लूंगा वो रहेगी आप लोगों की 8.1 एक्सरसाइज की, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर, इसी के साथ मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा वीडियो को शेयर जरूर करना, हाँ आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ओके। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।